hi everyone my name is akash and in this video i'll be extending my discussion to queues so i'll be discussing deck so deck is another data structure which is extended from uh, normal queues so before discussing deck i'll walk you through stacks and queues first so वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट स्टैक्स क्या पढ़ा था हम लोगों ने स्टैक में कि स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके पास एक एंड होता है सिर्फ टॉप एंड होता है और उसी पे आप लोग पुश कर सकते हो और उसी पे आप लोग पॉप कर सकते हो वहीं से आप पॉप कर सकते हो मीन्स एड इंसर्शन एंड डिलीशन विल बी डन एट द सेम एंड राइट सो दिस वॉज योर स्टैक ठीक है एक बार क्यू की बात कर लेते हैं क्यू क्या कहता है क्यों एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंसर्शन तो रियर एंड पे होता है ठीक है को मैं पुश लिख लेता हूं या आप एनक्यू ऑपरेशन इसको बोल सकते हैं ठीक है एनक्यू मतलब इंसर्शन ठीक है और जो डिलीशन होता है दैट 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 इज डन फ्रॉम द फ्रंट साइड फ्रंट एंड राइट सो दिस विल बी योर पॉप ऑपरेशन ठीक है तो यहां पे इंसर्शन रियर एंड पे होता है एंड फ्रंट से आपके डिलीट होता है स्टैक में दोनों के दोनों ऑपरेशन एक ही एंड पे होते थे ठीक है आई थिंक इतनी कहानी आप लोग को पता होगा ठीक है अब बात करते हैं डेक की सो so, ये डेक ऑपरेशन नहीं है डिलीशन ऑपरेशन नहीं है क्यू का यहां पे एन क्यू बोलते हैं इसको डी क्यू बोलते हैं डी ई क्यू यू ई यू ई राइट बट यहां पे मैं डीई क्यू यू ई पढ़ा रहा हूं आपको डेक तो डेक एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इसका एक्सटेंडेड पार्ट है क्यू का अच्छा ये डेक क्या कहता है डेक डेक कहता है कि नॉर्मल एक क्यू होगा आपके पास नॉर्मल एक एरे की फॉर्म में आपके पास स्पेस होगा लेकिन उस स्पेस के अंदर आप चार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो स्टैक के अंदर आप दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे एक पुश एक पॉप क्यू के अंदर आप दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे सिर्फ एक एन क्यू और एक डी क्यू डेक कहता है कि आप चार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो कौन कौन से एड फर्स्ट कर सकते हो आप ठीक है एड फर्स्ट कर सकते हो और रिमूव लास्ट कर सकते हो ठीक है एक तो ये ऑपरेशन हो गया दूसरा ऑपरेशन क्या होगा एड लास्ट और रिमूव फर्स्ट ये चार ऑपरेशन आपके पास इस डेक के अंदर परफॉर्म कर सकते हो आप अगर आप ध्यान से देखो ये जो दो ऑपरेशन है एड लास्ट एंड रिमूव फर्स्ट ये एग्जैक्टली exactly इस वाले क्यू के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है कैसे एड लास्ट कि ये वाला फंक्शन लास्ट में एड करेगा एड लास्ट ऑपरेशन जो है इट विल एड द डेटा टू द लास्ट ऑफ दिस डेक एंड रिमूव फर्स्ट वॉट रिमूव फर्स्ट विल बी डूइंग इज इट विल रिमूव द डेटा फ्रॉम द फ्रंट ऑफ दिस क्यू राइट ठीक है सिमिलर पैटर्न में एक और मेरे पास ऑपरेशन है मतलब एक सेट ऑफ ऑपरेशन और है जो कि कहता है एड फर्स्ट रिमूव लास्ट तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऐड फर्स्ट क्या कह रहा है एड फर्स्ट कह रहा है कि इस इस पॉइंट इन टाइम पे आपको ऐड करना है एडिशन करना है आपको फ्रंट पे ठीक है फ्रंट पे आप ऐड कर रहे हो लेकिन रिमूव कहां से कर रहे हो लास्ट से तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ठीक है ये दोनों ऑपरेशन अगर आप अलग अलग दोनों ऑपरेशन को देखते हो तो ये दोनों के दोनों ऑपरेशन क्यू को बनाते हैं ठीक है अगर मैं सिर्फ इस ऑपरेशन की बात करता हूं कि मैं ऐड कर रहा हूं फर्स्ट में और रिमूव कर रहा हूं लास्ट से तो ये भी तो अगेन ने क्यू का पार्ट हो गया ना भाई क्यों मेरे को ये बोलता है कि एक एंड पे आप इंसर्ट कर सकते हो और दूसरे एंड से आप रिमूव कर सकते हो ठीक है मैंने इस मैंने इस पिक्चर को सिर्फ मिरर मिरर आप मिरर समझ के चेंज कर दो इसको कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐड करो आप फर्स्ट पे रिमूव करो आप लास्ट से एक ही तो बात हुई अगर मैं इस सेट ऑफ ऑपरेशन को देखता हूँ तो आप कह रहे हो कि ऐड करो लास्ट से बल्कि रिमूव करो फर्स्ट से तो ये इंटरचेंजेबली सेम सेम चीज़ है ठीक है इंटरचेंजेबली सेम चीज़ है तो अगर आप इन दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे देन इट इट इज स्टिल द सेम और अगर आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे अगेन इट इज स्टिल अ सेम कंसेप्ट एज क्यूज ठीक है तो फिर इसमें डिफरेंट क्या है डिफरेंट चीज क्या है फिर इसके अंदर तो वह डिफरेंट चीज हम एक यहां पर देखते हैं लेट से मैं एक काम करता हूँ मैं सिर्फ एड फर्स्ट वाला इसका लेता हूँ और रिमूव फर्स्ट वाला इसका ऑपरेशन लेता हूँ मैं इस ये चार ऑपरेशन है ना तो मैं काम करता हूँ एड फर्स्ट यहां से लेता हूँ और रिमूव फर्स्ट भी मैं यहां से लेता हूं Then उस केस में हम क्या करेंगे तो इस इट मीन इस वाले एंड पे ही मैं ऐड भी कर रहा हूं है ना और इस वाले एंड से ही मैं डिलीट भी कर रहा हूं समझ रहे हो तो ऐड और डिलीट अगर मैं सेम एंड पे कर रहा हूँ या तो नॉर्मल चार ऑपरेशन है ना डेक एक इसके चार ऑपरेशन है अलग अलग तो मैं क्या कर रहा हूं मैं ऐड फर्स्ट और रिमूव फर्स्ट ये दो ऑपरेशन अलग ले रहा हूँ जो कि मेरे को क्या अगर तुम तो ध्यान से देखो ये क्या बता रहा है आपको जब सेम एंड पे दोनों ऑपरेशन होते हैं एडिशन भी एंड डिलीशन भी वो आप क्या, क्या आपको बताता है वो आपको स्टैक बताता है इट मीन कि इस डेक वाले डेटा स्ट्रक्चर को ये जो आपके पास डेक डेटा स्ट्रक्चर है इसको आप दोनों के तरह के यूज कर सकते हो कैसे एज एन स्टैक भी आप यूज कर सकते हो और एज अ क्यू भी आप इसको यूज कर सकते हो ये आपको चार ऑपरेशन परफॉर्म चार ऑपरेशन देता है कौन कौन से एड फर्स्ट रिमूव फर्स्ट एड लास्ट एंड रिमूव लास्ट सो दीज आर द फोर ऑपरेशन दैट यू कैन कैफॉर्म दैट यू कैन परफॉर्म ऑन दिस डेक ठीक है अब बात करते हैं इसकी ऑपरेशंस की कि कैसे यूज़ करेंगे तो लेट से मेरे पास सी प्लस प्लस की बात करता हूँ नॉर्मली अभी दिखाऊंगा मैं पाइथन जावा सी प्लस प्लस तीनों में दिखाऊंगा बट लेट से मैं सी प्लस प्लस की बात करता हूँ तो सी प्लस प्लस में हम कैसे बना सकते हैं तो डेक बनाना है आपको इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाऊंगा आपको ठीक है बिकॉज इंप्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं पूछेगा आपसे आपको सिंपली क्या पूछेगा प्रॉब्लम हम इससे सॉल्व करेंगे ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बहुत सॉलिड प्रॉब्लम करवाऊंगा जो कि फ्रिक्वेंटली पूछते हैं अमेजोन एंड गूगल में और भी बहुत सारी कंपनीज में नॉर्मली पूछते हैं ठीक है तो डेक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर देखो मैं सी प्लस प्लस में मेरे को डेक बना रहा है लेट से तो मैं डेक बना रहा हूँ लेट से इंटीजर का डेक बना रहा हूं मैंने कहा इसको डी क्यू में इसको बोलता हूँ

ठीक है ये जो एड फर्स्ट रिमूव फर्स्ट एड लास्ट और रिमूव लास्ट ये जावा के अंदर होता है ठीक है सिमिलर पैटर्न में आपके पास जो है पाइथन के अंदर भी होता है पॉप लास्ट पॉप फ्रंट इस तरीके से तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पाइथन पाइथन में आपके पास एक कलेक्शन नाम का फ्रेमवर्क होता है एक एक मॉड्यूल या कलेक्शन नाम का वहां से आपको इम्पोर्ट करना है डेक डी ई क्यू डेक ठीक है तो ये आपको वहां से इम्पोर्ट करना है तो यू विल बी राइटिंग दिस फर्स्ट लाइन इन योर प्रोग्राम जब भी आप डेक को जब भी आपको डेक यूज करना होगा ठीक है तो थोड़ा इस पर देख लेते हैं कौन कौन से इसमें ऑपरेशन है तो पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो कि डेक जो है एक पाइथन में इंप्लीमेंटेड है यूजिंग मॉड्यूल कलेक्शंस और डेक जो है प्रोवाइड करता है ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर अपन पॉप ऑपरेशंस एज कम्पेयर टू द लिस्ट विच प्रोवाइड्स ओवन तो जैसे प्रीवियसली हम कुछ क्वेश्चंस में अगर हम क्यू को यूज़ करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल लिस्ट के थ्रू भी आप उसको यूज़ कर सकते हो क्यू को यूजिंग अपेंडेंट पॉप फंक्शन बट अगेन वो आपके पास बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेसिंग अपेंड करने की पॉप करने की ओएन होती है जबकि डेक जो होता है अगर आप डेक को यूज करोगे सेम सेम काम के लिए वो आपके पास ओ एन यूज करता है ओवन यूज करता है सॉरी ठीक है तो एक बार इसको देख लेते हैं इसके पास कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं ठीक है तो दीज आर द फोर ऑपरेशन जो नॉर्मल अपेंड फंक्शन होता है वो आपके पास इंसर्ट करता है वैल्यू में राइट right एंड में मतलब अगर आपके पास ये डेक है तो अपेंड फंक्शन जो होगा वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा एंड में इंसर्ट करेगा Append लेफ्ट जो होगा वो आपके पास फ्रंट में इंसर्ट करेगा जो पॉप फंक्शन होगा दैट विल एक्चुअली डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड तो वो पॉप नॉर्मल यहाँ से डिलीट करेगा और पॉप लेफ्ट वो आपके पास स्टार्टिंग से डिलीट करेगा अब अगर आपको आपने लेट्स से एक डेक बना लिया आपने एक डेक बना लिया कुछ इस तरीके से इस तरीके से ठीक है और आप इस डेक पे दो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो कौन कौन से एक तो ये वाला अपेंड ठीक है और एक ये वाला पॉप तो देखो ध्यान से ये राइट में अपेंड कर रहा है और राइट में ही डिलीट भी कर रहा है तो अगर आप इन दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो इन दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने से ये डेक जो है आपका ये स्टैक कहलाएगा ठीक है ये स्टैक कहलाएगा लेकिन अगर आप क्या करते हो अगर आप ऑपरेशन ये वाले परफॉर्म करते हो लेट से एक तो ये वाला अपेंड राइट में आप ऐड कर रहे हो और पॉप आप लेफ्ट से कर रहे हो तो ये आपके पास क्यू कहलाएगा ठीक है ये आपके पास क्यू ऑपरेशन कहलाएगा तो सिमिलर पैटर्न में आप ये चार फंक्शंस अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हो तो मैं आपको एक बार सी प्लस प्लस में दिखा देता हूं तो सी प्लस प्लस में भी मेरे पास एस टी एल लाइब्रेरी होती है जैसे वहां पे कलेक्शन फ्रेमवर्क है कलेक्शन मॉड्यूल है इसी तरीके से सी प्लस प्लस में एस टी एल है ये आपको डेक की इंप्लीमेंटेशन देता है ठीक है तो डेक आप कैसे यूज कर सकते हो देखो मैंने अभी बताया था कैसे यूज कर सकते हैं कि डेक ऑफ इंट इस तरीके से आप बना सकते हो डेक ऑफ इंट और इस तरीके से आप डी क्यू लिख सकते हो ठीक है आपके पास डे डेक बन गया है अब आपके पास चार फंक्शंस होंगे कौन कौन से पुश बैक पुश फ्रंट ये तो पुश करने के लिए हो गया कि अगर आपको डेटा लास्ट में इंसर्ट करना है तो पुश बैक यूज़ करोगे एंड आपको डेटा अगर फ्रंट में इंसर्ट करना है तो पुश फ्रंट करोगे लेकिन अगर आपको पॉप करना है सो यू विल बी पॉपिंग फ्रॉम दिस दीज यूजिंग दीज टू फंक्शंस पॉप बैक एंड पॉप फ्रंट सो यू विल बी हैविंग दीज टू दीज फोर ऑपरेशन तो अगर आप कोई भी दो ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करते हो जो कि इस uh, लेफ्ट मतलब से ही मतलब फ्रंट से ही डिलीट भी कर रहा है फ्रंट में ही ऐड कर रहा है देन देट फंक्शनलिटी विल बी कॉल्ड एज इस टैग एंड अगर आप कोई ऐसा ऑपरेशन ऐसे दो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो कि आप पुश तो कर रहे हो फ्रंट पुश तो कर रहे हो आप बैक में बट फ्रंट से आप पॉप कर रहे हो दैन दीज टू ऑपरेशन विल मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू राइट तो सिमिलर पैटर्न में हमारे पास जावा में भी है ठीक है तो एक बार जावा में भी लास्ट में देख लेते हैं सो so, जावा के अंदर जो डेक uh, की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपके पास कलेक्शंस फ्रेमवर्क देता है और कलेक्शन फ्रेमवर्क में भी डेक इंटरफेस आपको डेक यूज़ करने के लिए अलाउ करता है ठीक है तो इसकी ये हिरारकियाँ आप चेक कर सकते हो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस वीडियो बट लेट मी शो यू द ऑपरेशन सो लेट से मेरे को एक डेक बनाना है लेट से डेक बनाना आपको स्ट्रिंग का या इंटीजर का तो यू विल बी सिंपली राइटिंग समथिंग लाइक दिस डेक ऑफ इंटीजियर स्ट्रिंग या वॉट ठीक है तो आपने डेक बनाया इसकी इंप्लीमेंटेशन कौन देगा लिंक लिस्ट ठीक है इसकी इंप्लीमेंटेशन हम लिंक लिस्ट से बना रहे हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन आप एरे डेक से भी कर सकते हो ठीक है अगर आपको जावा का कॉन्सेप्ट पता है तो आप एरे डेक से भी इसको कर सकते हो ठीक है तो यू विल बी राइटिंग देयर देयर देन डेक ऑफ इंटीजर डेक इज इक्वल्स टू न्यू एरे डेक ठीक है तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो बट ठीक है यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज कर रखा है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस तो अब मुझे सिर्फ आपको यहाँ पे बताना है देखो यहाँ पे ना जावा के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं मल्टीपल फंक्शंस हो ठीक है कैसे एक ऐड फंक्शन अलग से दे रखा है इन्होंने जो कि लास्ट में ऐड करता है और एक ऑफर भी दे रखा है जो कि अगेन लास्ट में ऐड करता है सो वी वॉन्ट मेक इट कॉम्प्लेक्स हम चार फंक्शंस को यूज करेंगे सिर्फ कौन कौन से एड फर्स्ट एड लास्ट एंड रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट

ठीक है डेक कैसे काम कर रहे हैं आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए सो आफ्टर दिस वीडियो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग एक बार अपनी अपनी लैंग्वेजेज में इस डेक को इम्प्लीमेंट करके देख लो इम्प्लीमेंट मतलब यूज़ करके देख लो कि कैसे डेक काम कर रहा है ठीक है कैसे एड फर्स्ट का फंक्शन काम कर रहा है कैसे एड लास्ट फंक्शन काम कर रहा है कैसे रिमूव फर्स्ट फंक्शन काम कर रहा है एंड कैसे रिमूव लास्ट फंक्शन काम कर रहा है सो दैट व्हेन वी विल बी स्टडिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम कोडिंग प्रॉब्लम तो आपको प्रॉब्लम ना हो कोई ठीक है एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से कि जो क्यू हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है नॉर्मल क्यू उसकी भी आपके पास एक इम्प्लीमेंटेशन होती है क्यू डेटा स्ट्रक्चर की तो वो मैंने इनबिल्ट की वीडियो एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाया है तो सिमिलर पैटर्न uh, में जैसे मैंने स्टैक पे आपको एक वीडियो बनाया था यूजिंग इस इनबिल्ट स्टैक इसी तरीके से आप गीक्स फॉर गीक्स से या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से आप क्यू को इनबिल्ट कैसे यूज़ करते हैं वो आप देख सकते हो तो सिमिलर पैटर्न में जैसे डेक हम यूज़ कर रहे हैं क्यू ऑफ़ इंट हम ऐसे बना सकते हैं नॉर्मल क्यू जैसे हमने डेक बनाया है इंटीजर का इसी तरीके से सी प्लस प्लस में आप क्यू ऑफ इंट बना सकते हो है ना और जावा में आप सिंपली ऐसे क्यों करके बना सकते हो क्यू ऑफ इंटीजर क्यू इज़ इक्व टू न्यू लिस्ट ठीक है इस तरीके से आप बना सकते हो सो देर आर मल्टीपल यू नो ऑप्शंस ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आल बी टॉकिंग अबाउट अ फेमस प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन डैक एंड दैट्स ऑल बाय फॉर नाउ